हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लासी प्राची। कैसे हैं आप लोग? होप करती हूँ आप लोगों का दिन अच्छा जा रहा होगा। आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ 5 शेड ऑफ लिपस्टिक जो कि आप ऑफिस के लिए यूज़ कर सकते हैं फॉर ऑफिस गोइंग। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से लिपस्टिक्स हैं। जो फर्स्ट लिपस्टिक है वो है मैबेलिन न्यूयॉर्क की टच ऑफ स्पाइस। इसका शेड नंबर है 660। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है। बट इसके अंदर के बात करने से पहले हम बात करते हैं इसके आउटर पैकेजिंग की। इसके आउटर पैकेजिंग सुपर क्लासी, मुझे ये बहुत प्यूटी लगती है बिकॉज इसमें जो आउटर पैकेजिंग है वो एक मैट फिनिश के साथ है और इसका जो अंदर का है वो जो सिल्वरिश प्योर सिल्वरिश कलर है ना, वो बहुत अच्छा लगता है। प्लस जब आप इसको बंद करते हो तो अंदर से भी वो सिल्वर कलर दिखता है, ये बहुत ही अच्छा लगता है। अब बात करते हैं इसके अंदर की। अच्छा खासा आपको इसमें प्रोडक्ट मिल जाता है और इसकी स्मेल बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है इसकी स्मेल। और ये कलर हल्का सा ये प्याजी शेड में कलर इसका आता है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा लगता है। इसकी पैकेजिंग बहुत ही क्लासी है। एंड मैं आपको एक स्वाचेस दिखाती हूँ। ये इसका स्वाचेस है, बहुत ही ब्यूटीफुल कलर लगता है। ये है पिंकी फैमिली से बट थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब ऐसा डिफरेंट है कि ये कलर जो भी ऑफिस गोइंग इंसान होगा उसके लिए बहुत ही अच्छा है। और प्लस ये आई गेस हर इंडियन स्किन टोन के ऊपर बहुत ही अच्छी तरह से जाएगा भी साथ में। बहुत सारे कलर होते हैं जो इंडियन स्किन टोन पे थोड़ा सा वॉश ऑफ हो जाते हैं, बट दिस इज़ अ परफेक्ट शेड फॉर एवरी इंडियन स्किन टोन। और इसका जो प्राइस होगा वो मैं स्क्रीन पर मैंशन कर दूँगी और साथ में अगर मुझे लिंक मिलेगा तो मैं लिंक भी मैंशन कर दूँगी। जो हमारी सेकंड लिपस्टिक है वो है इनसाइड की नॉन ट्रांसफर लिप कलर। ये ब्राउनिश शेड में है, मतलब कॉफ़ी कलर में। एंड इसका जो लिप शेड का कलर है ना वो भी 11 कॉफ़ी कमांड है, मतलब ये कॉफ़ी कलर का है। बहुत अच्छे से सिक्योर पैकेजिंग में है, ये खुलती नहीं है तो इट्स वेरी ट्रेवल फ्रेंडली ऑल्सो। प्रॉपर ब्राउनिश कॉफ़ी कलर। See how beautiful this color is। और हर कलर के साथ, मतलब हर तरह के अटायर के साथ जाएगा। ब्लैक, वाइट, पिंक, आप कोई भी अटायर पहनोगे ना ये लिप कलर हर अटायर के साथ जाने वाला है। प्लस ऐसे ही लिप कलर होते हैं जो ऑफिस वेयरिंग में अच्छे लगते हैं, हर तरह के। वो बोल्ड रेड कलर, कभी कभी ऐसा होता है ओकेजन्स वाइज कि रेड कलर भी अच्छे लगते हैं ऑफिस में, बट मोस्टली डे टू डे की जो आपकी ऑफिस लाइफ होती है ना उसमें ऐसे ही थोड़े से सटल न्यूट्रल शेड ही अच्छे लगते हैं। और जो थर्ड लिपस्टिक की मैं बात कर रही हूँ वो लिपस्टिक एक लिप क्रेयॉन है। ये है NY बेका। और इसका भी कलर जैसे मैंने फर्स्ट वाला जो आपको लिपस्टिक दिखाई थी मेबेलिन के, लगभग थोड़ा सा उसी टाइप में ही है। और ये हल्का सा, ये भी पिंक की फैमिली में आता है बट हल्का सा डिफरेंट शेड है, वो हल्का सा मॉवी पिंकिश टोन होता है इसका। ये फेयर स्किन टोन पे या मीडियम स्किन टोन पे ज़्यादा बेटर लगेगा। हल्का सा जो डार्कर डीपर स्किन टोन होगा उस पर हल्का सा वॉश ऑफ हो सकता है, बट या इट ऑल्सो डिपेंड कि वो हल्का सा वार्म अंडरटोन में है या कूल अंडरटोन में है। एंड दिस इज द फोर्थ लिपस्टिक कलर विच इज़ लैक्मे एब्सोल्यूट का प्लम एंड शाइन। एक्चुअली दिस इज़ अ प्लम एंड शाइन शाइनर लिया लिप ग्लॉस टाइप का है। और इसमें जो इसका MRP है वो 500 लिखा हुआ है, बट ये हमें कम पे मिल गई थी बिकॉज थोड़ा बहुत डिस्काउंट वगैरह चला ही करता है। बट इसको आप प्रॉपर नहीं लगा सकते ऑफिस में, हल्की सी शाइन के लिए हल्का सा लगाइए बस, ऐसा है ये। आप अगर बहुत ज़्यादा वो ग्लॉसी ग्लॉसी लिप्स ऑफिस में नहीं समझ में आते हैं, बट ये हल्का सा कलर अगर आप लगा लोगे तो ये अच्छा लगता है। इस प्लस इसके बारे में जो बेस्ट पार्ट है, आपके लिप्स को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज रखता है और ये काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है। इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे ऑयल्स पड़े हुए हैं और इसकी भी स्मेल मुझे अच्छी लगती है। हल्का सा वो टॉफ़ी टाइप की, कैरमल टाइप की स्मेल होती है, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है।
प्लस 3 ml का प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी इनफ है, आपका बहुत अच्छे टाइम तक ये चल जाएगा। लास्ट बट नॉट अ लीस्ट दिस प्रोडक्ट, एंड आई जस्ट फेल इन लव विद दिस प्रोडक्ट, मुझे ये बहुत पसंद है, यह है फेस शॉप का लिप एंड चीक टेंट। दिस इज़ अ बेस्ट प्रोडक्ट, ये मेरे ऑफिस बैग में हमेशा रहता है, ऑफिस बैग क्या हर जगह ये मेरे साथ जाता है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हैंडी बिकॉज टू शॉर्ट टू स्मॉल, और ये हर चीज़ के साथ जाएगा, इससे आप बहुत कुछ प्ले कर सकते हैं, इस वजह से मेरे को ये बहुत पसंद है। ये है वाटर फिट टिंट एक्स, इसका ये भी पिंक टोन में ही आएगा, बट आपको इतना लगाने के रिक्वायर, अभी भी मैंने यही वेयर किया हुआ है, जब इसको आप लगाओगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत ज़्यादा लग रहा है, बट धीमे धीमे जो इसका वाटर है वो सोक्ड हो जाता है, वो उड़ जाता है या कह लीजिए, तो इसका जो कलर आता है वो हल्का सा मैट फिनिश में आता है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। प्लस ये आई शेडो की तरह भी बहुत अच्छा काम करता है, और ये चीक टिंट तो हाई है, तो अगर आपने ब्लश वगैरह नहीं लगाया और आपको एक नेचुरल ब्लश चाहिए तो आप बस ये लगाइए, अभी भी मैंने यहाँ पर यही लगाया हुआ है और बस मेरा काम हो जाता है। इसको एक ले जाओ, यू आर ऑल सेट टू। और इसका जो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है, इसको आप जितना भी रिमूव कर लो उसमें हल्का फुल्का स्टेन तो रह ही जाता है, तो ये आपको काफ़ी नेचुरल लुक देता है, वो मुझे इसका बेस्ट पार्ट लगता है। अभी भी देखिए मैंने छुड़ा दिया है, फिर भी इतनी सारी लगी हुई है। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो, मेरा ये कंटेंट पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो मेक श्योर आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ इस पर कमेंट भी करके बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, और या फिर अगर आपको कोई नेक्स्ट तरह की वीडियो की डिमांड है तो। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, जो रेड कलर का बटन होगा उसको प्रेस कर दीजिएगा, एंड बगल में जो बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। बाय, टेक केयर, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।